नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के किसान भवन में हूँ। यहाँ एमएसई के तहत बौद्धिक अधिकार, एमएसई कार्यालय पटना के तहत ये बौद्धिक अधिकार मंच के लोग यहाँ आए हुए हैं। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के संबंध में ये जानकारी दे रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या है जानकारी में, क्या बताया जाता है, देखते हैं क्या जानकारी। अरे साहब, हमारा बहन के भाई लंग से नाक मत करी, मत करी। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे जिला उद्योग के भोज के महाप्रबंधक का सम्मान किया जाए। स्वागत है एवं पूर्व के मुखिया जी, गणमान्य व्यक्ति, मीडिया कर्मी एवं सभी अतिथिगण। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अतिथि हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये न्यू दिल्ली से आया डायरेक्ट यहाँ पे संदेश में, तो इससे बड़ा चीज कुछ हो नहीं सकता कि दिल्ली से कोई ऑफिशियल डायरेक्ट ब्लॉक में आ गया। डीएम सर आ जाते तो हम लोग पूरा चिंतित हो जाते कि क्या हो गया। अब ये तो दिल्ली से आए हुए, तो सीरियसनेस को समझ सकते हैं कितना जरूरी है कल के चलो कैसे विकास करना है। मतलब आज से 20 साल पहले दुनिया क्या था, अब दुनिया क्या होगी, आएगा 20 साल बाद क्या होगा, उसी के लिए वाला सेशन रखा गया है। कैसे बाद में रोजी रोटी करना है, सरकारी नौकरी सरकार इतना उत्पन्न नहीं कर सकते। अब 534 ब्लॉक है तो 534 वीडियो ही आएगा, 5000 वीडियो नहीं आ सकता है, सरकार का एक लिमिटेशन है। तो सरकारी नौकरी को हम लोग जैसे एज ए बिहार, खासकर बिहार यूपी वाले जो रहते हैं जनरली, क्योंकि मैं खुद बाहर में तैयारी किया हूँ तो पता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहता है, पर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो वहाँ स्टार्टअप जैसा कल्चर आ गया। स्टार्टअप मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वो नॉर्मल का स्टार्टअप, लोग लाखों में करोड़ों में कमाते हैं, पर उन्होंने कहीं से स्टार्ट किया है, रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे बायजू है आपका ऑनलाइन स्टडी वाला, कोरोना के टाइम में फेमस हुआ, पर ऐसा नहीं है कि कोरोना के टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया, पहले से लोग लगे हुए थे। कोरोना में उन लोगों को मतलब बूस्टर मिल गया, क्या बोलते हैं, एकदम एनर्जी मिल गया। तो उसी टाइप से आप लोग भी बहुत सारी चीज ये बताएंगे, आप लोगों को कैसे कैसे कौन सा योजना, मैंने आप ही के आसपास में वो चीज है पर आप लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कि मंदिर में जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं उससे अगरबत्ती कैसे बनाता है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट। मतलब अब संदेश का चूंकि मुझे उतना जानकारी है नहीं कि यहाँ पे क्या मेन है, जैसे कि आलू वगैरह का खेती फूल होता है, चावल है, या फिर फॉर एग्जाम्पल सोन बचवा मछली है, कोई भी जिला से अधिकारी आते हैं तो उनका डिमांड रहता है कि सोन बचवा खिलाया जाए, तो सोन बचवा कैसे हम लोग और उसको ये जीआई टैग में कैसे दे सकते हैं, और बड़ा आपको मार्केट एक्सेस कैसे मिल सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मछली का जनरली क्या होता है, यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मछली आता है, मतलब हम लोग कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं लोकल लेवल पे, तो बाहर से क्यों मंगाना पड़े, हम लोग लोकल लेवल पे क्यों नहीं इतना उत्पादन कर दे कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से, तो हम लोग को सेल्फ सस्टेन होता है, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है कि हम लोग को बाहर का जरूरत ही नहीं पड़े। और अभी तो प्रधानमंत्री जी का कहना शुरू से चलते ही आ रहा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया है, यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आपका लीड ले चुकी है, जिसकी तरह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उद्यमी है, मतलब इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हैं। मैं इसलिए यह सेशन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी लिमिटेड है, आपको दूसरे चीज पे भी फोकस करना होगा, ऐसा नहीं वो प्रॉफिटेबल है, हम लोग नौकरी क्यों करते हैं, अच्छा लाइफ जीने के लिए ना। अरे मेन उद्देश्य क्या है, सरकारी पैसा हो प्राइवेट पैसा हो, पैसा पैसा होता है, अच्छा लाइफ जीने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी जीविका दीदी चाहिए, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप विस्तृत जानकारी लीजिए, क्योंकि मुझे डिटेल में उनको आप मुझे पता नहीं, अध्ययन करना पड़ेगा, फिर अलग से मैं सेशन लूंगा आपके साथ। तो ये जो जो आपको बताते हैं उसके तहत आप खोजिए कि आप ये कर सकते कि नहीं कर सकते। और जीविका तो बिहार में बहुत बड़ा रोल मॉडल बन चुका है, दूसरे स्टेट्स में जाके भी बताते हैं ये लोग जीविका का, सर मतलब जीविका का ट्रेनिंग में गया तो मुझे पता चला कि दूसरे स्टेट में जाकर के ये भी दीदी लोग को सिखाती है, इम्पावर्ड करती है, तो जीविका बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पर। और जितने भी मीडिया कर्मी, मैं आग्रह करूंगा कि जितने यूथ हैं हमारे, जैसे जो अभी नौकरी के तलाश में, जिनको नौकरी नहीं मिल पाता, या फिर जिनको स्टार्टअप है, स्टार्टअप जैसे सुनने में ब्लॉक में बहुत छोटा चीज रहेगा, लेकिन एक बार अगर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा चीज में तब्दील हो जाता है, चाहे कोई भी चीज का इंडस्ट्री हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या फिर कोई ऐसा यूनिक चीज हो, जैसे कि आप झारखंड वगैरह में जाइएगा ना, तो वहाँ का वो हनी भी बहुत फेमस है, ट्राइबल्स लोग जो आदिवासी लोग बना के बेचता है वो काफी महंगे दाम में मिलता है, तो हो सकता है संदेश में वैसा कुछ प्रोडक्ट होगा, मुझे जानकारी नहीं है, ये आपस में आप लोग को तय करना है कि संदेश में ऐसा क्या स्टार्टअप करें इंडस्ट्री की, मतलब आगे चल के एग्जाम्पल सेट कर लो, जैसे कि धान कटनी होता है, जैसे सर बता रहे थे
एक मशीन मतलब उद्यमी योजना के तहत आपको मिल जाएगा। फिर वो जो काटते हैं धान को हसुआ से, वो डायरेक्ट मशीन आएगा, वो आपको एकदम सीट में बदल देगा। तो वो मैंने सक्सेस कर सकता है। आलू वाला है, आलू वाला भी सर यहाँ पे चला हुआ है बहुत जगह पे, वो डायरेक्ट में जाता है। प्राइवेट में भी, प्राइवेट जब योगदान करेगा तो सरकार और प्राइवेट क्या है, दोनों हाथ मिलाकर चलेगा तभी ना होगा। तो वही है, जितना आप लोग फायदा उठा सकते हैं उठाइए और इसका गंभीरता ले सकते हैं। देखिए विकास के लोग आप लोग से बताना चाह रहे, दिल्ली से ऑफिशियल आए तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी आया। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा मीटिंग है, चले जाएंगे, संबोधन हो गया। इसको चूंकि लोग फिर आगे भी मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, आगे दो महीना बाद फिर क्या काम किया, कौवा कितना बड़ा हुआ, उसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो अगला बार ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग फिर से मीटिंग कर रहे हैं और फिर से ऐसे ही खाना पूर्ति हो, ठीक है। तो बस वही मैं कहना चाहूँगी, अच्छे से आप लोग समझिए स्कीम्स को, और जितना कंफ्यूजन है मैडम से मदद लीजिए, और अगर कुछ क्वेरी होगा तो मेरे को डायरेक्ट आप व्हाट्सएप। धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित मंचा सिंह, सभी पदाधिकारीगण, जीविका दीदी और यहाँ उपस्थित सभी आम जनता, उद्यमी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की तरफ से बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग, खास करके जो उद्यमी यहाँ उपस्थित हैं, वो लोग अगर आप लोग अपने उद्यम को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो उसमें आपका सहयोग करने के लिए उद्योग विभाग, एमएसएमई मंत्रालय पूरी तरह से तत्पर है। अगर आप लोग कोई नया उद्यम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उद्योग विभाग और एमएसएमई मंत्रालय मिलकर आप सभी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करने के लिए तत्पर है। उद्योग विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आप सभी लोग अपना कोई भी नया उद्यम लगाने के लिए अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उस ऋण के माध्यम से आप अपने उद्योग को लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर किसी को जिसमें आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री खाद्य संस्करण उन्नयन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा कि सर ने कहा था, स्टार्टअप योजना है, अगर कोई बहुत ही डिफरेंट आइडिया लेकर के, कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ अगर कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सरकार सीट फंड के रूप में 10 लाख रुपए देती है। अगर कोई नया अपना रोजगार स्थापित करना चाहता है, एक छोटा सा ही रोजगार समझ लीजिए, अगर कोई आटा मिल की स्थापना करना चाहता है, एक बेसिक सा उद्यम है जो कोई भी अपने घर में लगा सकता है, कोई तेल मिल लगाना चाहता है तो उसके लिए जो बेसिक पूंजी की आवश्यकता होती है उसके लिए भी सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है। कोई महिला अगर सिंपल ब्यूटी पार्लर का ही कोर्स करके अगर वो सोच रही है अब हम ब्यूटी पार्लर कैसे खोले, उसके पास पैसे नहीं है और वो इधर उधर भटक रही है और उसका वो कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो यूं ही अलमारी के तर के नीचे पड़ा पड़ा सड़ जाता है और वो जो उसने सीखा है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो मैं ऐसी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अगर कोई प्रकार का आपके अंदर कला है और आप किसी को अचार बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को पापड़ बनाना बहुत अच्छा आता है और वो चाहती है कि इसको भी उद्योग के रूप में स्थापित करें, अपने स्वरोजगार को इसमें हम तब्दील करें, तो आप सभी लोग सरकार का मदद लेकर के अपने उद्योग को स्टार्ट कीजिए, अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाए, यहाँ पर से ही इस समाज का, इस देश का कल्याण हो सकता है। स्वरोजगार से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे आसीन सारे वरिष्ठ अधिकारी और आप सभी बैठे हुए सारे अतिथिगण, इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ संदेश से जुड़े हुए सारे लोग, एक संदेश जो है, मतलब मैं तकरीबन 2015 के बाद बिहार का आना हुआ क्योंकि भारत सरकार के अलग अलग राज्यों के अंदर और प्रखंडों के अंदर, ब्लॉक के अंदर कवर करने के बाद आज मुझे मौका मिला आप लोगों के जाने का। तो इस एरिया का जो ज्योग्राफी जो मुझे समझ में थोड़ा बहुत आता है वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर बालू की जो उगाई होती है वो सबसे ज़्यादा भारी तादाद में देखने को मुझे मिला है।
अभी संदेश जगह के नाम के साथ साथ एक संदेश मैं आप लोगों से भी